सेट एक्सपायरिंग डेट इन टैली ERP 9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की एक्सपायरिंग डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट सेट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की वैल्यू जब खत्म हो जाती है, जब वो एक्सपायर हो जाए, तो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर, किस तरह से आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं एक्सपायरिंग डेट के हिसाब से टैली के अंदर, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, टैली के अंदर एक्सपायरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को एक नाम दिया गया है, बैच वाइज डिटेल। हाँ जी, बैच वाइज डिटेल के थ्रू आप इस एक्सपायरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को सेट करके अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। बैच वाइज डिटेल आर यूज टू आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री इन बैचेस और लोड्स। देखो, बैच वाइज डिटेल जो है वो आपके इन्वेंट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है कि आपकी इन्वेंट्री की मूवमेंट एक बैच और एक लॉट से कैसे हो रही है। मतलब मेडिसिन, अगर मेडिसिन की हम बात करें तो एक मेडिसिन एक लॉट में एक बैच में होता है। एक पत्ते के अंदर कई सारी मेडिसिन होती है या एक डब्बे के अंदर कई सारी मेडिसिन होती है, तो आप एक एक मेडिसिन बेचते हैं तो उस लॉट को किस तरीके से मेंटेन करना है। उस लॉट के सभी मेडिसिन जो है सेम एक्सपायरिंग डेट की होगी, सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट की होगी। तो किस तरीके से यह टैली आपकी हेल्प करेगा कि आप टैली के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन है कि आप अपने इन्वेंट्री को एक्सपायरिंग डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से मेंटेन कर सके। हेंस टैली ERP 9 मॉनिटर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, द डेट ऑफ रिसीट्स और द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम व्हेन इट कैन नॉट बी फर्दर यूज। तो टैली की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करें। यह आपकी एक्सपायरिंग डेट को मॉनिटर करेगी, यह आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को मॉनिटर करेगी और उसके हिसाब से जो एक्सपायर हो जाएगा उसे आप अपने स्टॉक से हटा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से ये करना है मैं आपको बताऊंगा। मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से करना है। बैच वाइज डिटेल इन टैली ERP 9। हाँ जी दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बैच वाइज डिटेल को मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे जाए, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पेज को लाइक कीजिए क्योंकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलेगी, GST, इनकम टैक्स या टैली से रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पिछले जितने भी सारी वीडियो है सबके क्वेश्चन पेपर आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिलेगा। तो जाइए और वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से आप बैच वाइज डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर। फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंपनी का नाम आ गया, कंपनी क्रिएशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी, गेटवेल ट्रेडर्स प्लॉट नंबर 5 गंगा विहार डेली या GST नंबर आ गया। इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है कि ऑन 1 जनवरी 2018 परचेज मेडिसिन 500 पीसेस ऑफ नेशनल फार्मेसी एट द रेट 10 इच विद बैच नंबर। बैच नंबर ये आ गया उसका टीआर ऑफ 201 हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 दिसंबर 2017 एंड एक्सपायरी डेट एज 1/1/2019, चार्ज GST एट द रेट 5% एंड इन्वॉइस नंबर GST 09/2017-18। उसके बाद में बात करूँ तो ये कंपनी का एड्रेस आ गया, ये GST नंबर आ गया। परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी है, किस तरीके से करना है टैली पे चलते हैं। मैंने यहाँ कंपनी क्रिएट कर रखी है गेटवेल ट्रेडर के नाम से, आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप GST वाले ऑप्शन को यस कर लेना, एनेबल कर लेना, उसके बाद उसका GST नंबर डाल लेना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। F11 प्रेस करेंगे, स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, इसे यस कर दिया, उसके बाद ये यस किया, यहाँ GST नंबर डाल देंगे 07AAFR9383Q1Z7, ये सेव कर लेंगे। इसे सेव करने के बाद आपको बैच वाइज डिटेल यस करना है। देखो मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वेंट्री फ्यूचर में जाएंगे F11 प्रेस करने के बाद, इन्वेंट्री फ्यूचर में आ गए, यहाँ से आपको बैच वाइज डिटेल यस करना है, यहाँ मैंने यस कर रखा है। सेट एक्सपायरी डेट यस करना है फॉर बैचेस, उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे यूज ट्रैकिंग नंबर यस करना है, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स यस करना है, सेव कर लेंगे। उसके बाद पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी क्या है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, पार्टी का नाम है नेशनल फार्मेसी। एंड
एड्रेस विजय विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ये हमने डाल दिया पार्टी का एड्रेस। जीएसटी नंबर डाल लेते हैं, जीएसटी नंबर क्या है इसका, 09DQTPK9758M1ZG, जीएसटी नंबर डाल लिया। अब जीएसटी नंबर डालने के बाद आइटम क्रिएट कर लेते हैं, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्या परचेज कर रहे हैं, मेडिसिन। आप पर्टिकुलर एक मेडिसिन का जो नाम है वो भी दे सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल वगैरह, इस तरह के आप मेडिसिन का नाम भी दे सकते हैं जो मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं। मैं आप एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मेडिसिन हमने परचेज करी है, मेडिसिन परचेज कर ली, यहाँ यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ, पीसेस है, पीसेस ले लिया मैंने ये और ये सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ GST एनेबल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कितने परसेंट है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 5%, गुड्स, और ये हो गया सेव। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस वाले ऑप्शन को मेंटेन इन बैचेस यस करना है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस करना है, यूज़ एक्सपायरिंग डेट यस करना है, फिर सेव करेंगे और ये कर लिया सेव, ठीक है। इसे सेव करने के बाद अब एंट्री पर आ जाते हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट डाल लेते हैं, कौन सी तारीख में है, 1 जनवरी 2018 डेट डाल ली। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है, यहाँ देख सकते हैं इनवॉइस नंबर ये रहा, GST/09/2017-18, फर्स्ट जनवरी था, नेशनल फार्मेसी, ये डिटेल सेव कर लिया। क्या परचेज कर रहे हैं, मेडिसिन, मेडिसिन में अब ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, ट्रैकिंग नंबर जो हम लॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो न्यू नंबर ले लेते हैं हम, या नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर हम एक पर्टिकुलर आइटम से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, इस ट्रैकिंग नंबर को नोट एप्लीकेबल करना है, हमें बैच नंबर लेना है, लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, तो बैच जिस बैच या लॉट का है वो हम डालेंगे, तो न्यू नंबर पे क्लिक किया, यहाँ से आप देख सकते हैं बैच नंबर बताया इसने, TR/201 ये है, ये जो है बैच नंबर आ गया। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज करी है, 500 पीसेस है और 10 रुपीज का ईच है, ठीक। एक्सपायरिंग डेट पूछ रहा है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, एक्सपायरिंग डेट यहाँ आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट दोनों है यहाँ पे। सबसे पहले इसने पूछा मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 दिसंबर 2017, तो ये हम डाल सकते हैं 1/12/2017, और एक्सपायरिंग डेट है 1 जनवरी 2019, तो 1/1/2019 ये एक्सपायरिंग डेट कर लिया, एंड ऑफ प्लेस। अब क्या करिए, हमने परचेज किया तो परचेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया। अब परचेज में ये पूछ रहा है कौन सा परचेज है, तो इंटरेस्टेड परचेज है, या इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल ले लिया। अब यहाँ पे IGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंट्रीगेट टैक्स, सेव कर लिया, GST कैलकुलेट कर लिया इसने, तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर आ गया, बिंग गुड्स परचेज, ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गया। मैं सेकंड एंट्री की बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ऑन 2 जनवरी 2018 अरेंज कैश सेल इनवॉइस, इनवॉइस नंबर ये आ गया, 200 पीसेस ऑफ मेडिसिन ऑफ ₹10.50 ईच फ्रॉम द अबव बैच, बैच नंबर ये आ गया, कौन से वाले बैच से,
TR/201 ये रहा ऊपर वाला बैच जो हमने परचेज किया था उस बैच से हम सेल कर रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं GST @5%। सो सेल की एंट्री कर लेते हैं। सेल की एंट्री करने से पहले आपको वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से अल्टर में चले जाते हैं और सेल्स में चले जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद इसे आप टैक्स इनवॉइस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम ऑटोमेटिक और यहाँ कर देते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस। हमें क्या करना है, एक नंबर से स्टार्ट हो और ये बिल नंबर 1 जुलाई से कर लेते हैं, एप्लीकेबल 1 जुलाई से। और स्टार्टिंग में प्रीफिक्स का मतलब हो गया स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, TI/ और ये भी 1 जुलाई से। और सफिक्स का मतलब होना चाहिए बाद में आना चाहिए 17/18, ठीक है। और इसे कर लिया सेव। अब मैं सेल वाउचर में जाऊंगा, F8 प्रेस करूंगा, टैक्स इनवॉइस पे आ गया। इनवॉइस नंबर क्या था, इनवॉइस नंबर 1 था, TI/01/2017/18 TI/01 आ गया। अब क्या करेंगे, किसे बेच रहे हैं, हम कैश में बेच रहे हैं, ठीक है। पार्टी का नाम नहीं लिखा, कैश में सेल कर रहे हैं इसलिए। या फिर आप कैश वाले कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं जिसको आप दे रहे हैं, जिस बायर को दे रहे हैं बायर नेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं, सारी डिटेल है यहाँ पे, किसके थ्रू भेज रहे हैं, डिस्पैच डिटेल वगैरह, मोड ऑफ पेमेंट और यहाँ पे बायर नेम वगैरह ये सब लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेडिसिन बेच रहा हूँ। कितनी मेडिसिन बेची मैंने, 200 पीसेस मेडिसिन बेच दिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ट्रैकिंग नंबर के अंदर नोट एप्लीकेबल किया, कौन से वाले लॉट से बेचा है, इस वाले लॉट से, लॉट को सिलेक्ट किया, 200 पीसेस बेचा है 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। एक्सपायरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑटोमेटिक इसने उठा लिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब सेल का लेजर क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे सेल्स अकाउंट ये सेव कर लिया। अब यहाँ पूछेगा कौन सी सेल है, तो यहाँ पे कैश सेल लोकल है इसलिए टैक्सेबल ले लिया लोकल वाला। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस में गया और GST और सेंट्रल टैक्स ये कर लिया सेव। और उसके बाद क्रिएट कर लूँगा SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST और स्टेट टैक्स इसने उठा लिया, ठीक है। सॉरी, 2 जनवरी को सेल करी है इसलिए 2 जनवरी लिख लेते हैं यहाँ पे, हम डेट का ध्यान रखना है आपको। ये कर लिया मैंने सेव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th ये दोनों कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बैच वाइज डिटेल की रिपोर्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बैच वाइज डिटेल काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 3rd में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोलता है कि ऑन 2 जनवरी 2018 परचेज किसान कैचअप 100 बोटल्स फ्रॉम किसान कैचअप इंडस्ट्रीज, ठीक है। 82 रुपीज पर बोटल है, @82 रुपीज पर बोटल, ध्यान रखना। विद बैच नंबर ये आ गया, हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट ये है, चार्ज GST @12%, इन्वॉइस नंबर ये आ गया, एड्रेस ये आ गया और इसका GST नंबर आ गया। तो पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर है, हमने परचेज किया और एड्रेस क्या था, एड्रेस था न्यू पार्क दिल्ली। GST नंबर लिख लेते हैं 07BVPPR। ये मैंने सेव कर ली डिटेल। अब परचेज पे आ जाता हूँ मैं, F9 प्रेस किया, डेट आ गई 2 जनवरी, 2 जनवरी को परचेज किया। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है 09/2017/18, ठीक है। किसान कैचअप पूरा नाम किसान कैचअप इंडस्ट्रीज है, तो इसे यहाँ पे अल्टर कर लेते हैं। अल्टर करने के लिए Ctrl+Enter करना है, ये कर लिया सेव।
पार्टी नेम पूरा आ गया, एड्रेस आ गया, अब क्या है आइटम क्रिएट करना है। टी एल यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बॉटल्स ले सकते हो। मेंटेन बैच इन डिटेल यस करना है, इन दोनों ऑप्शन को यस करना है, एक्सपायरिंग डेट वाला और मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, टैक्सेबल है 12% के हिसाब से। गुड्स सेव कर लिया, ट्रैकिंग नंबर को नॉट एप्लीकेबल किया, मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे एक्टिव बैच डिटेल्स पूछ रहा है, न्यू नंबर पे क्लिक किया, बैच नंबर क्या बताया, RK/501। सेव कर लिए। कितनी क्वांटिटी परचेज करी है हमने, यहाँ पे 100 बोटल परचेज करी है, 100 बोटल 82 रुपीज का ईच। मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 2 दिसंबर 2017, तो 2/12/2017 ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट है 1 अक्टूबर 2018, तो 1/10/2018 एक्सपायरी डेट सेट हो गई। परचेज किया था हमने, परचेज का लेजर कर लिया सिलेक्ट, ये सेव कर ली। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में लास्ट बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मैं आपको बैच वाइज डिटेल की रिपोर्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये आपकी बैच वाइज डिटेल को शो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में बोलता है, 2 जनवरी 2018 रेज कैश सेल इनवॉइस, इनवॉइस नंबर ये आ गया, 2 बोटल ऑफ कैचअप ₹90 ईच फ्रॉम द अवर बैच। अब ऊपर वाले बैच से 2 बोतल जो है वो बेच दी, कितने के हिसाब से, 90 रुपये पर बोतल के हिसाब से, और जीएसटी 12% चार्ज करना है ठीक है। सेकेंड जनवरी को ही किया है तो हम क्या करेंगे, एफ एड प्रेस करके सेल्स पे आ जाएंगे। बिल नंबर सेकंड आ गया, कैश में सेल करी है, पार्टी लेना नहीं है, कैचअप किसान कैचअप ले लिया यहाँ से। ट्रैकिंग नंबर नोट एप्लीकेबल करना है, ऊपर वाले लॉट से लिया है, लॉट नंबर ले लिया हमने, 2 बोटल बेचा है 90 रुपीज पर बोटल के हिसाब से। एक्सपायरिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम होगा, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया और यहाँ से सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया। सेल्स टैक्सेबल ले लिया मैंने, CGST आ गया यहाँ पे ही है, और यहाँ पे SGST आ गया। राउंड ऑफ लगा लेते हैं, राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख लिया राउंड ऑफ, 40 पैसे ले लिया। ठीक है, ये तो आपने सारी एंट्री कर ली। अब बैच वाइज डिटेल किस तरीके से काम करेगा या किस तरीके से इसकी रिपोर्ट शो करेगा, देखो डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंटरी बुक्स में जाएंगे, बैच पे जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मेडिसिन की देखता हूँ सबसे पहले, तो मेडिसिन पे क्लिक किया, बैच नंबर ले लिया यहाँ से, ये देख सकती हो आप। एक्सपायरिंग डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ शो कर रहा है कि इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरिंग डेट ये है। और आप इसकी बैच वाइज समरी देखना चाहते हैं तो F6 प्रेस करेंगे, F6 प्रेस करने के बाद यहाँ F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यस करना है, इनवर्ड यस करना है, आउटवर्ड यस करना है। उसके बाद शो बैचेस एक्सपायरिंग बैचेस ओनली, एक्सपायरिंग बैचेस ओनली अगर देखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए यस कीजिए, एक्सपायरिंग डेट के लिए यस कीजिए। अब यहाँ पे शो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, अब इसको यस करने के बाद जो डिटेल आप भरेंगे, फ्रॉम टू डेट, डेट भरना होगा। जैसे यस किया तो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का देखना है वो कर सकते हैं। इसे फिलहाल नो कर देता हूं और यहां पे शो नंबर ऑफ डेज ऑफ 4 एक्सपायर ये कर लिया सेव। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि अभी 335 दिन और है, 335 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा और ये लॉट नंबर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये आ गई, एक्सपायरिंग डेट ये आ गई। इतना आपने परचेज किया था और इतनी आपने सेल कर दी, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 300 पीसेस है ठीक। इसी प्रकार बैच चेंज कर लेते हैं, एक ही लॉट है, अगर आपने अगर लॉट बनाया होता तो यहां से आप लॉट सेलेक्ट कर सकते थे। मेडिसिन और भी आता था उसका बैच लॉट, जो जो लॉट बनाएंगे, जो जो बैच बनाएंगे उस बैच के हिसाब से आपको शो करेगा। अब बैचेस में जाने के बाद फिर से किसान कैचअप में जाते हैं, किसान कैचअप में भी मैं आपको दिखाता हूँ
यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने इतनी तारीख को परचेज किया, ये सेल किया, ये रिपोर्ट है। लेकिन अगर आपको बैचेज की समरी देखनी है तो F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद सेम वही सारे ऑप्शन को यस करेंगे जो आपको देखना है, इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरिंग डेट नंबर एक्सपायर। ये देख सकते हैं आप। सो इस तरीके से आपको शो कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, और आपने कितना इनवर्ड किया और कितना आउटवर्ड किया। इनवर्ड मींस कितना आपने यहाँ परचेज किया और कितनी आपने सेल करी, बैलेंस आपके पास ये है। अब मैं सपोज करता हूँ कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो एक्सपायर हो गया। अगर एक्सपायर हो जाए फिर वो हमारे स्टॉक में रहेगा, क्योंकि आप स्टॉक की रिपोर्ट देखेंगे तो स्टॉक में। जब तक आप यहाँ से एक्सपायरिंग वाले प्रोडक्ट को हटाएंगे नहीं, तब तक वो स्टॉक में से हटेगा नहीं। एक्सपायर होने के बाद उस डेट को आपको एक एक्सपायरिंग डेट वाली एंट्री करनी होगी ताकि वो आपके स्टॉक से माइनस हो जाए। सपोज दैट अगर मैं बैच में जाता हूँ, सपोज दैट मैं किसी एक बैच की रिपोर्ट को देखता हूँ, जैसे डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स बैच में गया, और यहाँ से मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मेडिसिन 1 जनवरी 2019 को एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को एक्सपायर हो जाएगी मेडिसिन, ध्यान रखना। तो 1 जनवरी 2019 को क्या स्टॉक की वैल्यू मेरी उतनी ही रहेगी? हाँ जी, उतनी ही रहेगी जब तक आप नहीं हटाओगे। देखो स्टॉक में दिखाता हूँ, अब मैं 1 जनवरी 2019 की डेट डाल ली मैंने, मैं 2 जनवरी की डालता हूँ, 2 जनवरी 2019 और 2 जनवरी 2019। देखो अभी भी वही डिटेल है, अभी भी वही स्टॉक है। देख सकते हैं आप, मेडिसिन की बात करूं मैं तो 300 पीसेस है, 500 खरीदे थे, 200 बेचे, अभी भी 300 है, जबकि ये एक्सपायर हो चुका है। तो अब इस केस में क्या करना है आपको, एक एक्सपायरिंग डेट की एंट्री पास करनी होगी। उसके लिए आप रिजेक्शन आउटवर्ड और रिजेक्शन इनवर्ड नोट्स का यूज़ करेंगे। वाउचर में गए, एक्सपायरिंग डेट वाले प्रोडक्ट को हटाने के लिए आपको रिजेक्शन इनवर्ड रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री करनी होगी। तो रिजेक्शन इनवर्ड और रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री कैसे करेंगे, आपको ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। यहाँ पे आप इन्वेंट्री वाउचर में आ चुके हैं, उसके बाद आपके पास स्टॉक में है तो क्या करना है, रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री करनी है। तो ऑल्ट प्लस F6 करेंगे, रिजेक्शन आउटवर्ड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ले लेंगे पार्टी का नाम, जैसे मैंने अभी मेडिसिन परचेज करी थी नेशनल फार्मेसी से। ठीक है, एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया, और ये मेडिसिन जो है एक्सपायर हो जाएगी। नोट एप्लीकेबल कर दिया मैंने ट्रैकिंग नंबर इस वाले लॉट का। ठीक है, कितने पीसेस, 300 पीसेस है, और मैं एंट्री कौन सी तारीख में कर रहा हूँ, 1 जनवरी को एक्सपायरिंग है, 1 जनवरी 2019 को मैं एंट्री कर रहा हूँ ये। और मेरे को यहाँ पे करंट पीरियड चेंज भी करना होगा क्योंकि ये करंट पीरियड नहीं ले रहा ये, तो 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019 की बात करूँ मैं। तो यहाँ से आप एंट्री करके अब करंट डेट चेंज करना होगा, तो करंट डेट यहाँ से मुझे करना होगा 1 जनवरी 2019, अब यह एंट्री हो गई सेव। और आप स्टॉक में देख सकते हैं जाके मेडिसिन ख़त्म, क्योंकि उसकी एक्सपायरिंग डेट ख़त्म। आपको मैं 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की बात करूं, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाऊं तो मेडिसिन था आपके पास, बट 1 जनवरी 2019 को एक्सपायर हो गया तो स्टॉक से ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री कर दी। तो 1 जनवरी 2019 को इसकी स्टॉक की वैल्यू ख़त्म हो गई। सो इस तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए आप रिजेक्शन आउटवर्ड का यूज़ करके अपने स्टॉक से हटा सकते हैं इसको। सो इस तरीके से आप बैच वाइज डिटेल करके अपने इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में कुछ क्वेश्चन हो टैली से रिलेटेड या बैच वाइज डिटेल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलने वाली है टैली की, नई नई वीडियो नए नए टॉपिक के ऊपर। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में आप शेयर करें, और स्टूडेंट्स में शेयर करें जो नए हैं टैली के अंदर, उनके पास शेयर करें ताकि नई नई नॉलेज मिल सके उनको टैली से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।